हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं म्यूकरमाइकोसिस के बारे में, जो ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। फंगस के कई प्रकारों में से एक प्रकार है म्यूकर, जिसमें से म्यूकरमाइकोसिस की उत्पत्ति हुई। म्यूकर नाम का ये फंगस हल्की नमी वाली स्थिति में हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचता है। फंगस के ग्रोथ करने वाली ये जगह रसोई में आने वाली हमारी सब्जियां भी हो सकती हैं। फंगस उचित जगह से अपना प्रवेश शुरू करता है और कोशों के मध्य में जाकर अपनी प्रशाखाओं को फैलाता है। कोशों के पोषक तत्व को पूरी तरह से उपयोग में लेता है और अपनी संख्या में वृद्धि करता है। एक उचित स्तर के विकास के बाद ये फंगस अपने छोटे छोटे बीजों को कोशों में छोड़ देता है, जो अन्य स्थान पर विकास की गति को आगे बढ़ाता है। कोशों की अपनी इम्यून सिस्टम एक्टिव फेज में आती है और फंगस के छोड़े हुए कणों के साथ अपने कण को जोड़ देती है, जिससे फंगस का ग्रोथ आगे बढ़ने से रुक जाता है। इस तरह की इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से फंगस को पोषक तत्व मिलने बंद हो जाते हैं, जिससे उसका ग्रोथ वहीं रुक जाता है और धीरे धीरे फंगस मरने लगता है। इम्यूनिटी के वीक होने की वजह से फंगस का ग्रोथ आगे कंटिन्यू रहता है, तब क्या स्थिति हो सकती है, अब उस पर नजर करते हैं। म्यूकरमाइकोसिस के मेनली 5 प्रकार हैं: क्यूटेनियस, राइनोसेरेब्रल, पल्मोनरी, गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड डिसेमिनेट। अब नजर करते हैं म्यूकरमाइकोसिस के सामान्य लक्षणों पर: सिर में दर्द होना, साथ ही सिर का भारी लगना, नाक जाम रहना, झुकने पर ज़्यादा भारीपन लगना, आँखों में दर्द होना, किसी एक तरफ की आँख लाल होना, सूजन आनी या कुछ अलग कलर देखने को मिलना, एकदम से दांत में दर्द होने लगना, जबड़ों में दर्द होना और दांतों का हिलना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस में किस तरह की जांच अनिवार्य है। इस तरह के लक्षणों के साथ में होने पे कोरोना का टेस्ट करवाना जरूरी होता है। ब्लड रिपोर्ट करवाया जाता है, जो आगे फंगस कल्चर करवाने में मदद रूप होता है। सीटी स्कैन के द्वारा फंगस का ग्रोथ अंदर कहाँ तक पहुँचा है, वो जानकारी हमको मिल सकती है। ब्लड ऑक्सीजन लेवल के कंटिन्यू कम होने पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट की मदद लेनी जरूरी होती है। सबसे पहले लेरिंगोस्कोप की मदद से रबर की सॉफ्ट प्लास्टिक ट्यूब को एंटर किया जाता है। उसके सही पोजीशन पे आने के बाद ऑक्सीजन का सप्लाई शुरू करते हैं, जिससे प्रॉपरली ब्लड ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो पाए। इस रबर ट्यूब की पोजीशन को कंफर्म करने के लिए अस्कल्टेशन और एक्सरे की मदद ली जाती है। अब देखते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस की ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है। पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन और इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पर कंसल्टिंग फिजिशियन एक ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, जिसमें इमरजेंसी मेडिसिन, ऑक्सीजन थेरापी, फ्लूइड थेरापी, एंटीफंगल ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स वगैरह का उपयोग किया जाता है। पेशेंट को अंडर मॉनिटरिंग रखा जाता है, जिसमें पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन, इन्वेस्टिगेशंस और वाइटल्स के चेंजेस के साथ आगे की ट्रीटमेंट मॉडिफाई होती रहती है। फंगस के कंटिन्यू ग्रो होने पर डिब्राइटमेंट और सर्जिकल इंटरवेंशन की भी मदद ली जाती है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट म्यूकरमाइकोसिस मतलब ब्लैक फंगस में किस तरह से मदद रूप हो सकती है। इसकी उत्पत्ति और लक्षणों के आधार पर आयुर्वेद में इसे कृमिज विकारों के अंतर्गत समाविष्ट कर सकते हैं। जानी मानी औषधियाँ जो इजी अवेलेबल हैं और मदद रूप भी हैं, जैसे हल्दी, बॉटनिकल नेम कर्क्यूमा लोंगा, तुलसी, ऑसिमम सेंक्टम, नीम, अजाडी रेक्टा इंडिका। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति द आयुर्वेदा साइंस में चरक संहिता के सूत्र स्थान 11वें नंबर के श्लोक में कृमिघ्नद गण के द्रव्यों का वर्णन किया है। इनका उपयोग हर तरीके से लाभदायी है। अलग अलग फॉर्मेशन में ये सब चीज़ें अवेलेबल है। हेल्दी डेली रूटीन लाइफ, च्यवनप्राश, ध्यान, प्राणायाम, ये सारी चीज़ों का उपयोग आयुर्वेद के फिजिशियन की ट्रीटमेंट के अंडर आप कर सकते हो। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। लाइक एंड शेयर। थैंक यू।